मैं पानी के साथ में पुराना छूट जाता है, तुझे अपने ही टब्बे से जमाना छूट जाता है। सियासत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन सियासत को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिले इज्जत सरताज मदनी साहब, एडवोकेट कुरैशी साहब, हाजी मुंशी साहब, नदीम खान साहब हमारी पार्टी के कैंडिडेट, राजा गुरमीत सिंह साहब, मनोहर खान साहब, खुर्शीद साहब, अजीज साहब, वसीम खान साहब, काम को पहले तो शुक्रिया अदा करूंगा मेंढर की आवाम को कि ये बात जिंदा दिल आवाम है, क्योंकि इसमें पिछली बार हमें 26,500 वोट दे करके हम पे आसान किया, और उसके साथ साथ मैं ये भी उम्मीद करूंगा कि आप उसी गर्म जोशी से और अपनी पूरी ताकत लगा के हमारे कैंडिडेट एडवोकेट नदीम खान साहब को कामयाब करेंगे। क्या आप मेरे साथ हैं? शुक्रिया। आज हम 10 साल के बाद इलेक्शन लेने जा रहे हैं और हमारी जमीन, हमारी बिजली, हमारा पानी सब कुछ नाम कर दिया, और आज हमें कहा जाता है कि हम आपको आसान कर रहे हैं 10 साल के बाद। तो सब कुछ छीन के दम गरम करके और इलेक्शन करवा जा रहे हैं। चलो हम इसको भी कबूल करते हैं। जैसे कि तीन भाई है, किसी की खालसे में जगह दो दो भाई भी पड़ गए, और हम फिर भी हम खामोश है। तो उस पार्टी को आप खुदा रहा अपने नजदीक ना आने दो, और पीडीपी के जितने आसमान है वो याद रखे आप। उसके बाद यहाँ पे कई लीडर्स आपके पास आए, अब सबको आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, और आप लोगों ने देखा भी है कि आप लोगों को सबज बाग दिखाए जाते हैं। कोई बोलता है 100 रोड़े बना दी हमने, कोई कहता है हमने पता नहीं कितने पंप निकाल दिए। अरे गिनो तो सही कि यहाँ उतनी रोड़े मौजूद भी है मेरे में कि नहीं। जो लीडर होता है मुझे नहीं लगता कि वो ठेकेदार हो सकता है। तो खुदा रहा आप अपने होशोल्लास में वोट करें हमारे कैंडिडेट के लिए, और उसको इनको कामयाब करें बाहरी हथियार। और शुक्रिया खुदा के। मैं इसके बाद हमारे जो कैंडिडेट है नदीम खान साहब, उनके बराबर अकबर सरदार वसीम अहमद खान साहब को दावत दी कि वे माइक पे आए। ईश्वर के साथ कृषि साहब कैसा प्रवक्त होना चाहूंगा मैं, कृषि साहब जान कहने से कोई जान नहीं रहता, जान कहने से कोई जान नहीं रहता है, कोई कह भी दे तो नुकसान नहीं होता। वो तो मैं हूँ जिसे छोड़ा छोड़ दिया, वो तो मैं हूँ जिसे छोड़ा छोड़ दिया, वरना ये फैसला आसान नहीं होता। सरदार वसीम अहमद खान साहब, हम आपको
जब तक जिंदा है मेरे बाप ने वकील किया इसी को कहते रहेंगे, जब तक हमें जान है। मैं कुछ कह गया हूँ, देखिए एक नारा दूंगा, जय सरदार मंत्री साहब, ये आवाज नहीं आई, मजा नहीं आया, जय सरदार मंत्री साहब, म्यारी काम किए, जिस वजह से आप देख रहे हैं जो जलसा था मेट्रो के चारों तरफ से बड़ी तादाद में, जहाँ पे आवाम ने शिरकत की, इस वाले से आप क्या कहेंगे? मैं लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मनकोट बालाकोट मेट्रो के आवाम ने आज जलसे में शिरकत की, और ये कहना चाहता हूँ, सबसे अपील करता हूँ कि बालाकोट के लोगों से, मनकोट और मेट्रो के लोगों से, कि आप PDP को कामयाब करें। PDP वही जमात है जिसने आपको पीस विद डिग्निटी दी, आपकी दाढ़ी की तहफ़ की, टोपी की तहफ़ की, और आपको घरों में बसाया। तो PDP ने जो मिलिटेंसी के दौरान में जो काम किए हैं, लोग जो माइग्रेट हो गए थे, घर छोड़ के बाहर चले गए थे, वापस बसाने में PDP बड़ा रोल रहा, और PDP ने मुफ्ती मोहम्मद सईद के शॉर्ट टर्नर में बाबा गुलाम शाह पैसा यूनिवर्सिटी मूर रोड, डिग्री कॉलेज मेंडर, और खासकर बालाकोट में 7 करोड़ रुपया कंपनसेशन दे के कलोनियाँ बसाई, लोगों को बसाया वहाँ पर, और PDP ने आर पार के लोगों को बुलाया, जो हमारे लोग यहाँ बिछड़ गए थे 1965 के बाद, जो उस पार चले गए थे रालवा को चक्कांदाबाग खोल के, आर पार लोगों को बुलाया, और PDP का जो रोल रहा इस जम्मू कश्मीर में सुनहरे अक्षरों में गिना गया। तो 25 तारीख के लिए आवाम से अभी क्या अपीलेंगे? मैं ये यहाँ से अपील करना चाहता हूँ अपनी आवाम में मेंडर से, कि मैंने कोशिश की है हर घर घर में पहुँचने की, मगर शॉर्ट पीरियड होने की वजह से हम हर घर जगह पर पहुँच नहीं पाए। मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि आप मुझे वोट दें, PDP कामयाब करें, PDP रीजनल पार्टी है, इंशाल्लाह मैं आपके लिए दिन रात करके आपके काम करूँगा, आपके घर में पहुँचूँगा, और आपको वो तहफ़ दूँगा जो तहफ़ PDP ने आपको दिए थे।